विधानसभा चुनाव इस समय सभा पर है, चुनाव प्रचार जोरों पर है। हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्रीय सांसद कांतिलाल भूरिया, जो लगातार इलाके में सक्रिय हैं, प्रचार अभियान में सक्रिय हैं, कांग्रेस के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। उनका गला भी बैठ गया है, उनसे हम आपकी बात करवाएंगे। थोड़ा सा उनका गला बैठा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे बात करने के लिए राजी हैं। सर, चुनाव प्रचार अभियान में आप जुटे हुए हैं और लगातार सक्रिय हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है और हम लोग पूरी तरह से लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी 15 साल से आदिवासियों को जितनी योजनाएं सारी खतरे में डाल दी है, और लोग परेशान हो रहे हैं, लोग पलायन हो रहे हैं, काम कुछ नहीं है, और झूठ बोल बोल के उन्होंने 15 साल निकाल दिए। अब हमारे मतदाता भाई, आदिवासी भाई सब समझ गए हैं कि अब ये बीजेपी को वोट नहीं देना है। ये सारी चीजें हैं, और कांग्रेस में सरकार में आएगी तो कर्जा माफ करने की बात राहुल गांधी जी ने ऐलान करा है, बिजली का बिल माफ करने का है, बेरोजगार को नौकरी की, बेरोजगार भत्ता देने की बात, और कई महिलाओं के लिए मतलब गरीब पिता के उसको 51,000 रुपया उसको मतलब देने की बात कर की है। तो ये सारी चीजें अब गांव-गांव लोग भी, कांग्रेस सरकार आएगी तो हमारा भला होगा, बीजेपी सरकार में हम भला, ये सारी चीजें गांव-गांव चर्चा चल रही है। सर, ये जो सिंधिया जी आए थे और उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार का आपसे पुराना रिश्ता है, आपको क्या लगता है कितना प्रभाव डालेगी उनकी सभा? मैं सभा अच्छी रही है, सिंधिया जी और माधवराजी सिंधिया थे हमारा, उनसे भी रिश्ता था, ज्योतिराज सिंधिया जी से भी अच्छे हमारा, उन्हें सब सारी चीजें तो अब कांग्रेस में है, एक परिवार है, तो परिवार को एक दूसरे को मदद करने के लिए वो हम लोग हर तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस एकजुट है, तो हम लोग मिल के ही काम करेंगे। और निश्चित ही झाबुआ जिले में अलियापुर, जोबट और झाबुआ और थानला, पिटलावत और सेलाना और ग्रामीण और 8 विधानसभा कांग्रेस जीत रही है, और इससे एक एक यहाँ जीतती है तो सरकार बनती है, ये मना एक संदेश जा रहा है। तो निश्चित ही लोग हमारे सब एकजुट होकर हम काम कर रहे हैं, और कुछ लोग भाजपा वाले वो कांग्रेस को वोट काटने के लिए वो निर्दली खड़ा कर दिया है, उसको पूरा फाइनेंस कर रहे हैं वो, और ताकि कांग्रेस कमजोर हो और भाजपा को फायदा मिले। पर अब मतदाता और आदिवासी भाई समझ गए हैं कि ये दलाली कर रहा है, जीवन मेड़ा और बीजेपी मिलके ये चुनाव में कांग्रेस को एक नुकसान करने में चल रहे हैं ये लोग। सर, कुल 47 आदिवासी सीटें हैं मध्य प्रदेश में, आप आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, पिछली बार 32 सीटें 47 में से बीजेपी के पास थी, इस बार कांग्रेस की अब इन सीटों पर क्या संभावनाएं मानते हैं? अब के 47 सीटों में से 35 के ऊपर आसपास आ गया, अब आदिवासी सब परेशान है, सभी जिलों में आदिवासी योजना सारी ठप हो गई, बेरोजगार घूम रहे हैं, पंचायत राज खत्म कर दिया है, विकास का नाम से कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो ये अब मतदाता और आदिवासी समझ गए, अब बीजेपी को कभी मना बर्दाश्त नहीं करेंगे और कांग्रेस को मदद करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जो फीडबैक आपके पास आ रहा है, आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है, कितनी सीटें कांग्रेस जीत रही है? जब सर्वे के हिसाब से और बाकी लोगों की रुझान को देखते हुए कांग्रेस की मतलब 130 से 140 के बीच में सीटें आने की पूरी उम्मीद है। आपने सांसद कांतिलाल भूरिया को सुना, जिनका दावा है कि उनके रतलाम संसदीय क्षेत्र की सभी सीटें कांग्रेस जीत रही है और मध्य प्रदेश में 130 सीटें जीत के सरकार बनाने जा रही है। झाबुआ जिले की राजनीतिक खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।